सूरज का बचपन। एक गांव में एक स्कूल था। गांव के सारे बच्चे स्कूल में पढ़ने आते थे। स्कूल के नियमों के अनुसार सारे बच्चे टाइम पर स्कूल पर आते थे, पर उसमें एक सूरज नाम का लड़का था। वह हर रोज लेट आता था, इसलिए उसे रोज मास्टर जी की डांट पड़ती थी। स्कूल में पढ़ाने के लिए माधव शास्त्री नाम के मास्टर जी थे। वे बड़े ही स्ट्रिक्ट थे। उनके डर से सारे बच्चे स्कूल में टाइम पर आया करते थे, लेकिन सूरज कितना भी बोलो हर रोज जानबूझकर लेट ही आता था। सूरज रोज लेट भी आता था, मैले कपड़े पहनता था और स्कूल में मस्ती भी बहुत करता था। उसकी इन्हीं सभी हरकतों के कारण मास्टर जी को उस पर बहुत गुस्सा आता था। एक दिन मास्टर जी पढ़ा रहे थे और सूरज फिर लेट आया तो मास्टर जी बोले, सूरज तुम्हें मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर कल तुम लेट आए तो तुम्हारी खैर नहीं। सूरज हाँ बोलकर क्लास में जाकर बैठ जाता है। फिर दूसरे दिन जब टीचर स्कूल में आते हैं, तो सूरज को क्लास में ना देखकर वो समझ जाते हैं कि आज भी सूरज वक्त पर नहीं आया। सूरज के लेट आने के अड़ियल स्वभाव के कारण मास्टर जी ने आज उसकी खबर लेने की सोची। तभी सूरज वहाँ आता है और उसका हुलिया ऐसा रहता है जैसे मानो किसी से झगड़ा करके आया है। मैले कपड़े, शर्ट के बटन टूटे हुए, उसे देखकर टीचर आग बबूला हो जाते हैं। सूरज क्लास में आ ही रहा होता है। सूरज वही रुक जाओ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि टाइम पर स्कूल में आया करो। हुलिया देखा है क्या अपना? लगता है बरसों से नहाया नहीं। चलो निकलो बाहर, कल से स्कूल में मत आना। इस तरह स्कूल के छात्रों के सामने सूरज को बहुत भला बुरा कहते हैं, बहुत डांटते हैं और उसे स्कूल में बैठने नहीं देते। फिर उसी दिन शाम को मास्टर जी बाजार से गुजर रहे थे, तभी उन्हें सूरज एक होटल में जाते हुए दिखा तो वो समझ गए कि सूरज कम उम्र में ही गलत संगत में लग गया। तो उसकी खबर लेने के लिए उसके पीछे ये सोच के जाते हैं कि उसके माँ बाप को उसके बारे में बता सके। मास्टर जी जब होटल में सूरज के पीछे जाते हैं तो उन्हें सूरज नजर ही नहीं आता, वो हर टेबल पे देखते हैं। तभी होटल मालिक जोर से आवाज देता है, सूरज के बच्चे कहाँ मर गया, जल्दी से टेबल साफ कर, काम चोर कहीं का, सुबह स्कूल के बहाने जल्दी निकल जाता है, पता नहीं स्कूल में जाकर क्या करेगा, चल जल्दी जल्दी हाथ चला वरना आज तो तुझे पैसे ही नहीं मिलेंगे और काम से भी निकाल दूंगा। सूरज भाग कर आता है और सभी टेबल साफ करता है। ये सब कुछ मास्टर जी छुप कर देख रहे थे। फिर सूरज होटल मालिक से पैसे मांगने जाता है तो वह सूरज को भला बुरा बोलकर बहुत कम पैसे देता है। तो सूरज वहाँ से निकल जाता है और आगे जाकर वो एक वड़ा पाव के ठेले के पास जाता है। लोगों को ठेले के पास खाते देख उसे भी बहुत भूख लगी थी क्योंकि सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। वो ठेले के पास जाकर कहता है, चाचा मुझे दो वड़ा पाव देना। इतने पैसे में दो नहीं, सिर्फ एक ही वड़ा पाव आएगा। ठीक है एक ही दे दो। और वहाँ से वड़ा पाव लेकर जल्दी जल्दी निकल जाता है। मास्टर जी भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो जानना चाहते थे आखिर ये सूरज खाना लेकर कहाँ जा रहा है। फिर आगे जाकर सूरज एक झोपड़ी में जाता है। मास्टर जी भी उसके पीछे जाते हैं और देखते हैं तो सूरज एक छोटे 4-5 साल के बच्चे को वड़ा पाव दे रहा है। भैया आप भी खाओ ना, बहुत अच्छा है। अरे नहीं रे चंदू, मैं तो बहुत पेट भर के खा के आया हूँ, अब तू ही जल्दी से खा ले। ठीक है भैया। बेचारा खुद भूखा रहकर और दिन भर मेहनत करके खुद अपने छोटे भाई के लिए खाना लेकर आया। ये सब देखकर मास्टर जी की आंखों में पानी आ गया। मास्टर जी को सूरज की परिस्थिति का जरा भी अंदाजा नहीं था। उन्हें अपने किए हुए बर्ताव पे अफसोस होने लगा और वो दुखी होकर वहाँ से निकल गए। फिर दूसरे दिन जब सूरज स्कूल में आता है तो मास्टर जी उसे चुपचाप स्कूल में आकर बैठने देते हैं। मास्टर जी सिर्फ उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और मन ही मन ठान लेते हैं कि सूरज की पढ़ाई की जिम्मेदारी वो खुद उठाएंगे। तो दोस्तों, हम जैसे सोचते हैं वैसा हमेशा नहीं होता। हमें जिंदगी जितनी आसान लगती है वो किसी के लिए आसान तो छोड़ो, सुबह से लेकर शाम तक रोटी और जरूरतों के लिए एक संघर्ष है, एक चुनौती है। ऐसे कई सूरज हैं, उन्हें डूबने मत देना।
सूरज और उसके जैसे कई बच्चे अपना बचपन खो बैठे। कम उम्र में अपने नन्हे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ लेकर अपने पढ़ाई की उम्मीद भी जगाए रखते हैं। ऐसे बच्चों को करता है वेल्डन वीर सलाम, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी ताकत है जो सूरज जैसे बच्चों की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जिंदगी में आपको कभी मौका मिले तो इन बच्चों की जरूर मदद करें। आपकी पुरानी किताबें ही क्यों ना हो, उन्हें जरूर दे। अगर आपको ऐसी ही समाज में परिवर्तन लाने वाली कहानियाँ पसंद है तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपकी एक लाइक और शेयर सूरज जैसे बच्चों की मदद के लिए बहुत कीमती है, जो सूरज जैसे बच्चों की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। आप अगर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही लाएंगे आपकी फरमाइश की कहानियाँ, कहानियाँ जो दिल को छू ले। छोटू की दिवाली। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है। हम सभी लोग दिवाली बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। दीप जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। दिवाली पर हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े, पटाखे और मिठाइयों की खरीदारी करता है। मगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गरीबी के कारण दिवाली की खरीदारी, कपड़े, मिठाई तो दूर, उन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। तो ऐसे ही एक लड़के की कहानी है जो दिवाली की इन खुशियों से वंचित है। एक छोटू नाम का लड़का दिवाली के दिन कूड़ादान में कुछ खोज रहा था। शायद उसे भूख लगी थी और लोगों ने जो मिठाइयों के डब्बे फेंके थे उसमें वो ढूंढ रहा था कि दिवाली के दिन लोगों ने फेंकी हुई बची कुची मिठाई खाने को मिल जाए, पर शायद उसके नसीब में वो भी नहीं। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर छोटू कुछ बच्चों के पास खड़े होकर उन्हें पटाखे फोड़ते हुए देखता है। दूसरे बच्चों को देखकर उसका पटाखे फोड़ने का बड़ा मन कर रहा था, नए नए कपड़े पहनने का, परिवार के साथ दिवाली मनाने का। पर मांगता भी किसे बेचारा, आखिर वो भी तो एक बच्चा ही है। छोटू ने जो फटे पुराने कपड़े पहने थे उसे ऐसी हालत में देखकर दूसरे लोग उसे अपने पास भी खड़े नहीं कर रहे थे। फिर छोटू वहाँ से मायूस होकर निकल गया। और दिवाली के दूसरे दिन छोटू लोगों के घरों के सामने जो पटाखे फोड़े थे उसमें से खुद के लिए पटाखे ढूंढ रहा था। बेचारा करता भी क्या, उसके पास खाने के पैसे नहीं तो वो पटाखे कहाँ से खरीदेगा। फिर छोटू सामने जाकर एक कपड़ों की दुकान के पास रुक गया और उस दुकान के बाहर जो पुतला रखा था उसे गौर से देख रहा था और फिर अपने फटे पुराने कपड़े देख रहा था। पुतले को जो नए नए कपड़े पहनाए थे, छोटू के आंखों में उन कपड़ों के प्रति आकर्षण था। वो मन ही मन सोच रहा था कि काश मैं लड़का ना होकर ये पुतला होता तो शायद आज ये कपड़े मैंने पहने हुए होते। अजीब दस्तूर है ना इस दुनिया का, जिस चीज में जान नहीं उसे तो खूब नए नए कपड़े पहनाए हैं, लेकिन जिसमें जान है उसके नसीब में कपड़े कहाँ। छोटू को भी तो दिवाली मनाने का अधिकार है, उसमें भी एक मासूम बच्चे का दिल है जिसे ऊपर वाले ने बनाया है। हमारे बच्चे जो जिंदगी जीते हैं वो उसके लिए एक सपना है। ऊपर वाला इन बच्चों की मदद करने हर वक्त नहीं पहुँच सकता, इसलिए उसने एक चीज बनाई है और उसका नाम है इंसान, जो इंसानियत को जिंदा रख सके। क्यों ना इस दिवाली छोटू और ऐसे कई गरीब बच्चों को दिवाली मनाने का मौका दिया जाए। तो आइए दोस्तों, आप इन गरीब बच्चों की आपसे जितनी हो सके उतनी मदद कर दे। आपकी थोड़ी सी मदद से इन बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आएगी वो इन दियों से कहीं ज्यादा रोशनी करेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हमें भी पता चलेगा हम जो सोचते हैं क्या आप उससे सहमत हैं। अगर हाँ तो हम लाएंगे आपके लिए ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सच्ची आजादी और आज के बच्चे, ये कहानी है 15 अगस्त की, जिस दिन हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। सारा देश स्वतंत्रता दिन बड़े ही धूमधाम से मना रहा था।
सभी जगह ध्वजावंदन हो रहा था, देशभक्ति पर गीत गूंज रहे थे। इस धूमधाम में कुछ बच्चे अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर और हाथों में तिरंगे लेकर उन तिरंगों को बेच रहे थे। सभी लोग उनसे तिरंगे खरीद रहे थे। स्कूल के बच्चे भी उनसे तिरंगे खरीद रहे थे। स्कूल के बच्चे नए नए कपड़े पहनकर और हाथों में तिरंगे लेकर घूम रहे थे। हाथों में तीन रंगों के गुब्बारे लेकर खिलखिला रहे थे। तभी ये तिरंगे बेचने वाले गरीब बच्चे खड़े होकर एक टक उनकी तरफ देख रहे थे। उन बच्चों की आंखों में एक अलग ही चाह थी और मन में स्कूल के बच्चों की तरह जीने की आशा। फिर गरीब बच्चों के सभी तिरंगे बिक गए और वो बच्चे बहुत खुश हो गए। आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा था, सारे झंडे बिक गए और खाने को भी अच्छा मिला। हाँ भैया, हम कल भी झंडे बेचेंगे और कल भी अच्छा खाने को मिलेगा। फिर वो बच्चे वहाँ से चले गए। फिर दूसरे दिन सुबह सभी बच्चे फिर से तिरंगे लेकर उन्हें बेचने के लिए निकल गए। वो सभी लोगों से तिरंगे खरीदने के लिए कह रहे थे, अंकल लो ना, 10 का 1 है, लीजिए ना। अच्छा 5 का 1 लीजिए। लेकिन सभी लोग उन बच्चों की तरफ आश्चर्य से देख रहे थे। कुछ लोग तो उन बच्चों का मजाक उड़ा रहे थे। अरे ये आज क्यों झंडे बेच रहा है, ए पागल हो गया क्या, ए चल भाग यहाँ से, आज कौन झंडे खरीदेगा। वो बच्चे फिर भी तिरंगे बेचने की कोशिश कर रहे थे। उन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, जो झंडे कल सब लोग मांग मांग कर खरीद रहे थे, वही झंडे आज कम पैसों में देकर भी कोई नहीं खरीद रहा। पर उन स्कूल में न जाने वाले नादान बच्चों को क्या पता क्या 15 अगस्त और क्या 16 अगस्त, उनके लिए तो सभी दिन एक जैसे। वो तो झंडे बेचकर 2 पैसे कमाकर दिन का गुजारा कर रहे थे। ये सारी बात स्कूल में जाने वाले कुछ बच्चे वहाँ खड़े होकर देख रहे थे। फिर वो बच्चे आपस में कुछ बात करके अपने स्कूल में चले गए। कोई अपना बैग खोलकर देख रहा था तो कोई अपने पापा से कुछ मांग रहा था, और एक बच्चा अपना पिग्गी बैंक निकालकर सभी लोगों के सामने जाकर पैसे जमा कर रहा था। और वे सब लोग मिलकर उन गरीब बच्चों के पास गए और उन्होंने जो भी पैसे जमा किए हैं वो उन बच्चों को दे दिए और उनके सारे झंडे खरीद लिए। इन बच्चों के झंडे खरीदने के प्रयास से उन गरीब बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई और ये बच्चे हाथों में तिरंगे लेकर भारत माता के नारे देते हुए अपने स्कूल में चले गए। इन बच्चों को देखकर लगता है आज सही मायने में हमारा भारत देश आजाद हुआ है। यही सोच हमारे भारत देश को आगे लेकर जाएगी। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं। हमें गर्व है इस सदी के इन बच्चों पर जो हमारे भारत देश की आजादी का जश्न सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हर रोज मनाते हैं। जय हिंद।